डोबी सड़क को चौड़ीकरण करने के कार्य बीते कई वर्षों से किया जा रहा है। सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए सरकार के द्वारा ग्रामीणों से भूमि अधिग्रहण भी की जा रही है। भूमि अधिग्रहण करने के उपरांत लोगों को सरकार के द्वारा मुआवजा देने की भी प्रक्रिया चल रही है। सरकार के द्वारा लोगों को मुआवजा भी दिया जा रहा है, परंतु सरकार के द्वारा भूमि को अधिग्रहण कर जो मुआवजा दिया जा रहा है उससे ग्रामीण असंतुष्ट हैं। बोधगया प्रखंड के जिंदापुर गांव के ग्रामीण का यही हाल है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिंदापुर गांव के लोगों का जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू है। कई ग्रामीणों का घर भी ध्वस्त कर दिया गया है। इस संबंध में जिंदापुर ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है इस संबंध में जिंदापुर गांव निवासी मोहम्मद जावेद ने बताया कि आवासीय एवं व्यावसायिक जमीन को प्रशासन के द्वारा धनहर बताकर धनहर के रूप में मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में भी चल रहा है, अभी तक न्यायिक प्रक्रिया में है। इसके बावजूद बिना आदेश के ग्रामीणों को जबरन भूमि अधिग्रहण करना और जमीन मालिकों के द्वारा किसी भी तरह का बात प्रशासन से पूछे जाने पर धमकी दी जा रही है कि यह एक तुच्छ प्रश्न है। उन्होंने कहा कि सरकार या न्यायालय के आदेश आ जाने के बाद हम लोग सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं, परंतु इसके बदले में हम लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये NH-83 नेशनल हाईवे 2010 में गजट हुआ है, आज 20 हो गया। यहाँ के किसानों का जो मांग है कि रोड के किनारे जो जमीन है जिसको बिहार सरकार जिला पदाधिकारी ने मान्य दिया है कि कॉमर्शियल और आवासीय है, इसी आधार पे इन लोगों की मांग है कि रोड के जो भी ज़मीन रोड के किनारे है हम लोग को आवासीय और कॉमर्शियल दिया जाए। लेकिन पिछले 10 सालों से किसानों को रोज ऑफिस में बुलाया जाता और टहलाया जाता है। इसमें से कुछ किसानों ने आर्बिट्रेशन में केस किया कि भाई हमारी ज़मीन अधिग्रहण की गई है, हम लोग ज़मीन देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन मुआवजा हमको उचित मिलना चाहिए। ज़मीन अधिग्रहण की गई, मकान अधिग्रहण नहीं हुआ। जब लैंड अधिग्रहण किया गया है, आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया कि इनकी ज़मीन का मुआवजा जो है आवासीय दिया जाना चाहिए, और ये आदेश पारित करके DLO को दे दिया। DLO ने NHI को भी आदेश दे दिया कि भाई आप इनका जो पेमेंट है वो आवासीय कीजिए। लेकिन आवासीय पेमेंट ना करने के बजाय इनके मकान का जो है स्ट्रक्चर की वैल्यू जो पैसा है वो दे करके और बलपूर्वक इनके मकान को तोड़ दिया गया किसानों पर, और धमकियाँ दी जा रही हैं DLO, CEO बोधगया और PD NHI के द्वारा कि अगर आप लोग नहीं मानोगे तो आपके ऊपर हम फोर्स लगा करके रोड को रोंद देंगे। ये इनके इनके किसानों को धमकी दे रहे हैं। काफ़ी डरे हुए लोग हैं, काफ़ी, चूँकि ये लड़ाई हम लोग 10 साल से लड़ रहे हैं, हमारी भी ज़मीन गई अधिग्रहण में, हम भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी भी डिग्री हुई है। तो जिन लोगों की डिग्री आर्बिट्रेशन से हुई है, पहले इनको मुआवजा मिलना चाहिए था ज़मीन का, तब इनके मकान में हाथ लगना चाहिए था। इन लोगों ने बगैर मुआवजे के मकान को ढा दिया, जो इलीगल है, गैरकानूनी काम किया इन्होंने। इसके खिलाफ जनता इनके विरुद्ध मुकदमा दायर करेगी। इसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। आर्बिट्रेटर ने जो डिग्री दिया उसको हमने कहा कि भाई आप हमको कमर्शियल दीजिए, उसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट भी गए हुए हैं, तो हम लोग हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। आर्बिट्रेटर ने डिग्री जीते हुए, तो हम जाने की जरूरत नहीं हमको, चूँकि एक डिग्री हमको मिल चुकी है। मेरे विरुद्ध NHI चला गया सिविल कोर्ट। तो जब तक सिविल कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक तो इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, जो इन्होंने पुलिस के ला करके गैरकानूनी से लोगों को तोड़ दिया और ये कहा कि स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं, पैसा आपको स्ट्रक्चर का दिया है। भाई ज़मीन अधिग्रहण हुई, स्ट्रक्चर अधिग्रहण नहीं हुआ, इसलिए ज़मीन का पहले मुआवजा होना चाहिए था, बाद में स्ट्रक्चर। यहाँ पर अब तक 65 लोग डिग्री होल्डर हैं NHI में, दुमहान से लेकर के डोभी तक 65 लोगों के विरुद्ध ये लोग केस करने गए हैं NHI में, गया है सिविल कोर्ट में। हम लोग यही चाह रहे हैं कि आर्बिट्रेटर से जो फैसला हुआ है हमको मुआवजा चाहिए, और रोड बनाने के लिए हमारी कोई शिकायत नहीं है, समझे। और जो केस जीते हैं वही केस पर हम लड़ रहे हैं कि हमारा पैसा मिला जाए। और ये ज़मीन मेरा रोड किनारे है सटे हुए, और धनर सारा ज़मीन को मेरा कह रहा है, 98 डिसमिल मेरा ज़मीन जा रहा है, बोरा सारा धनर। हमने 4 प्लॉट को आवासीय जीते हैं। ये आते हैं PD सर आते हैं, DLO आते हैं, CO आते हैं भू अर्जन का, और NH का DLO आते हैं, तो वो हम लोग को धमकी देते हैं कि पुलिस ला कर तुम लोग के मतलब जो करना होगा वो करवा देंगे, ये हुए पूरा हमको धमकी देते हैं। हम लोग ठीक है आइए, आप लोग जो करना कीजिए, हम लोग तुम नहीं हटेंगे घर से। तो चाहते हैं जो मुआवजा जो हम लोग का जीते हैं केस वो आवासीय और ये मिलना चाहिए। गाँव है, रोड किनारे हैं,
ये आज़ादी का पहले का गांव है सर। यहाँ पे नेचर ऑफ लैंड खतियान में दर्शाया गया है आवासीय है। नेचर ऑफ लैंड यहाँ मकान लिखा हुआ है। टोटल जमीन में खतियान निकाल के देखा जाए, नेचर ऑफ लैंड यहाँ मकान किया गया है। उसी के चलते आर्बिट्रेटर ने फैसला किया है कि यहाँ आवासीय पैसा दिया जाए सर। किंतु यहाँ पर जो भी भू अर्जन का पदाधिकारी DLO साहब के पास जाइए, सीधे बोलता है गेट आउट यहाँ से, सीधा कोई बात नहीं सुनता है सर। और यहाँ हम यहाँ मेरा मकान ही है सर, हम यहाँ ऑब्जेक्शन किए, हमको जबरदस्ती बोला कि तुमको भागता है कि यहाँ चलान हम तुमको करें। तुरंत यहाँ पर बुलाया गया सर, हमको घेर के हटा के जबरदस्ती बाई फोर्स लगा के मेरा मकान तोड़ दिया गया है सर। मुझे इसमें 2 डिसमिल 4 डिसमिल है ये जमीन है सर, जिसमें 2 डिसमिल मुझे आवासीय का पैसा दिया गया सर, 2 डिसमिल का पैसा अभी तक नहीं मिला है सर। और वो मेरा 5 डिसमिल जमीन गया है सर, उसमें से अब मेरा खतियान में लिखा हुआ है मकान, मेरा आर्बिट्रेशन से डिग्री है, उसके बावजूद भी PD सर बोलता है भागो यहाँ से ना तो तुमको जबरदस्ती उठा के JCB से तोड़वा देंगे सर। इस तरीके से हम लोग खौफ में हैं सर, जिंदापुर के ग्रामीण की। हम लोग मैंने क्या कब हम लोग का एक धूर जमीन कहीं पर नहीं देखा जाए, चेक किया जाए सर, कहीं पर कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद इतना लोग मैंने धमका डरा रहा है कि हम लोग दहशत में है सर। गया जिले के वजीरगंज प्रखंड बाजार में NH-82 सड़क पिछले कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सड़क की खास वजह यह है कि गर्मी के दिनों में सड़क पर चलती वाहन से गंदगी और धूल उड़ती है, जबकि बरसात के मौसम में रोड पर कीचड़ नाली का पानी बड़े बड़े गड्ढों में भर जाता है, जैसे मानो तालाब बन गया हो। इसी को लेकर युवा नेता चितरंजन कुमार के आह्वान पर NH-82 रोड की जर्जर स्थिति के कारण गया वजीरगंज रोड को जाम किया गया। जाम को सफल बनाने में कई क्षेत्रीय ग्रामीण के अलावा कई समाज सेवी नेतागण भी उपस्थित हुए। जाम के दौरान वजीरगंज प्रशासन भी यात्रीगण की सुविधा के लिए मौके पर मौजूद देखे गए। रोड की खराब स्थिति के कारण क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। दुकानदार एवं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि प्रशासन से इस रोड को जल्द से जल्द मरम्मत कराने को लेकर कई बार आह्वान किया गया है, परंतु अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। युवा नेता चितरंजन कुमार ने बताया कि अगर जल्द इस रोड की मरम्मति नहीं कराई गई तो यह लोग उग्र आंदोलन करेंगे। किससे मांगते हैं और कौन आपको देगा? कोई नहीं दे सकता है, सबको दिक्कत है। बड़ा है जो उसको भी दिक्कत, जो गरीब है उसको भी दिक्कत। आज आप देखे होंगे कि कोरोना जैसी महामारी आए तो खींचा के सोशल मीडिया पर डाल रही है, तो की बेरोजगारी की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है। बिल्कुल बात को समझिए, इन्हें जो 77 के सारे नेता हैं, अब उनको रिटायर करना पड़ेगा। जब तक आपके बीच का आदमी हाउस नहीं पहुंचेगा, उसको नहीं पता है कि आज कल हमारे यहाँ जितना नेता है, जितना विधायक है, उसका एक और बेटा हमको उठा के बता दीजिए कि कुछ बना है। एक आगो विधायक जी के बेटा के बना दो कि कुछ पढ़ लिख के कल के है, पता चल लो कि बाद में फिर वो चुनाव में आ रहा है। तो सब अनपढ़वा के हमारे पर ठेल दमा बाबू, तोड़ तो बोझा ढोलिए रह लिया इतना दिन से, अब तो फिर तो बोझा ढोबे तैयार रही है। कंधार थक चुका। बर्नवाल सेवा समिति गया के बैनर तले राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा नव मनोनीत रवि बर्नवाल उर्फ गुड्डू को व्यवसायिक प्रकोष्ठ गया का जिला अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर बर्नवाल समाज के अभिभावक तुल बुजुर्गों के द्वारा रवि बर्नवाल को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गया महानगर बर्नवाल सेवा समिति के सचिव प्रेम प्रकाश पवन एवं कोषाध्यक्ष विक्की बर्नवाल ने रवि कुमार को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देते हुए राष्ट्रीय जनता दल का आभार व्यक्त किया। वहीं रवि बर्नवाल ने भी दी गई जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का भरोसा बर्नवाल समाज को दिलाया। आज का कार्यक्रम जो है बर्नवाल समाज जो विचार में स्थान रहता है सरकार को फ्लैट से देखते चलाने का, और हमारे साथ बिहार सरकार खास करके सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार जो होती है वो समाज का माई बाप होता है और उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। आज हमारा समाज OBC में जो स्थिति है, हमारे बच्चे अति पिछड़ा होने नहीं होने के कारण आज कई नंबरों से पीछे हो रहा है, प्रतिस्पर्धा नाम का चीज़ नहीं रहा और व्यक्तित्व में उनका इतना गिर जाता है, बच्चे प्रशिक्षण में बहुत कुछ करने लगे। आज जो सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया, क्या मैं टैक्स नहीं देता हूँ बर्नवाल समाज, क्या हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, आखिर ये मापदंड है क्या जो अति पिछड़ा में रखने का? बाकी समाज क्या आपसे बाहर है, मौजूदा सरकार है, हम लोग क्या बर्नवाल समाज आपको वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं किया है? हमारे साथ सौतेला व्यवहार, इसलिए आज बैठक करके सारे बुजुर्गों के द्वारा
जो हमारे परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे समाज को बहुत दिन से देखा है, उन लोगों की इच्छा हो रही थी कि आरजेडी के जिलाध्यक्ष हम बने हैं साई पप्पू, तो सम्मान समारोह रखो। लेकिन इस सम्मान समारोह को तभी मैं मानूंगा जब मैं अपने बर्नवास समाज के लिए पूरे बिहार में कुछ कर सकूँ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम लोग अगर ये बात प्रतिपक्ष के नेता तक पहुँचाएँगे तो हमारे लिए भी जूता दशहरा में खरीद आएगा। अगर आपको 10 गो बेटा है तो 8 बेटा के जूता खरीदिएगा, और 2 गो को न खरीदिएगा तो झगड़े ना होगा सर। और आपसे मांग कर रहे हैं, आंदोलन तो बाद में होगी, अभी मांग रख रहे हैं सरकार। पूरा बिहार का बर्नवास समाज उठेगा और इसी गया शहर से उठेगा। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से हमारा आग्रह है कि जो हमारे बच्चों को प्रतिस्पर्धा में जो नुकसान पहुँचाएँ उसको कैसे मेकअप कीजिएगा, आप दे के लीजिए कीजिएगा, किसी से छीन के कीजिएगा, मैं नहीं जानता, हमारा ब्लड में और वो नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। और जो ज़बरदस्ती जो गुलामी का कानून जो हमारे ऊपर थोपा गया फार्मा से, एक तो सर आप लोगों के लोकल जो हमारे गया जिला के पत्रकार हैं आज धन्यवाद देते हैं, मौका नहीं मिला था। 27 अक्टूबर 2017 को भारत का गजट बना और रिन्यूअल समाप्त। अब किसी दवा दुकानदार को रिन्यूअल कराने की या ड्रग ऑफिस में जाने की कोई जरूरत नहीं। अब फार्मासिस्ट मुद्दा, ये बात आप समझ लीजिए, मतलब यूं कहें कि डॉक्टर का डिग्री दे दिया और इंजीनियर का काम करने कह रहे हैं आप। फार्मासिस्ट का हिंदी होता है दवाई बनाने वाला। अब आप ही लोग मीडिया हैं जो बतावें कि दवा दुकान में दवाई बनाने वाला का क्या काम है, उसका तो फैक्ट्री में काम है। और मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आपसे आग्रह है कि आपने दवा व्यापारी जो 1 लाख से ज़्यादा है इस बिहार में, उनके साथ आपने छलने का काम किया। महानगर के अध्यक्ष श्री रवि बनवाल गुड्डू जी को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। हम समाज के सारे लोगों में इस बात की काफ़ी खुशी है और इस खुशी का इजहार करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन, क्योंकि आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है कोरोना की वजह से, हमारे कार्यकर्ताओं काफ़ी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, एक संक्षिप्त कार्यक्रम का रूप देते हुए हमारे अध्यक्ष जिनको राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, हम सभी लोग की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ दी गई हैं। मानसून शुरू होने के बाद गुरुवार को गया में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। ज्ञात हो कि पिछले एक हफ्ते से उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को मुश्किलें काफी बढ़ गई थीं। बढ़ती गर्मी से लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। वहीं गुरुवार को ही बारिश ने लोगों को काफी गर्मी से राहत दिलाई। गौरतलब हो कि एक तरफ जहां बढ़ते गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इस बारिश से काफी उम्मीदें लगी हैं। किसानों का मानना है कि इस बारिश से उनके खेतों को काफी फायदा होगा। आज 25 तारीख को गया जिला में झमाझम बारिश होने से गर्मी से बहुत सभी लोगों को निजात मिला और बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसा बारिश होती रही, हमारे किसान भाइयों का भी बहुत फायदा होगा और गया जिला वासी जो गर्मी से त्राही माम कर रहे थे उन्हें बहुत राहत मिली है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।